आएगा थोड़े बड़े साइज में और फ्रेश है। देखिए आप साइज देख सकते हो, फ्रेश है आलू। साइज देख सकते हो आप लोग, ओनली 30 रुपए किलो के हिसाब से अदरक मिलेगा। देखिए साइज आप लोग देख सकते हो, साइज आप लोग देख सकते हो मिर्ची की। ये देखिए ये कंटोला है, कौला बैंगन है, फ्रेश है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं फिर से आ चुका हूँ नई मुंबई वाशी होलसेल भाजी मार्केट, मुंबई का सबसे बड़ा होलसेल भाजी मार्केट। थोड़ी सी लोग बनी रहेगा इस, देखते हैं जिस भाजी मार्केट में कौन से वैरायटीज का भाजी अवेलेबल है, आज के रेट से सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। टमाटर का भाव आज? टमाटर 30 रुपए पसंद चांगले माल, 55 रुपए पर्यंत। ऐसा क्या भाव है ये वाले? ये मीडियम वाले 400 रुपए। 400 रुपये कितनी किलो? 10 किलो। 10 किलो देखिए, 410 रुपये टमाटर मिला ना। देखिए गाउटी टमाटर है ये, 35 रुपये के हिसाब से मिलेगा। देखिए आपको तो यहाँ पे अलग अलग वराइटीज का टमाटर है, उस हिसाब से प्राइस में दादा है वाले ये 30 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा टमाटर। ये देखिए 40 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा टमाटर। देखिए आप लोग बड़े साइज में टमाटर है, फ्रेश है, पूरा कैरेट खरीदना पड़ेगा। क्या भाव है? 30 रुपये। 30 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा टमाटर। 30 रुपया। भाई कैसा दे रहे टमाटर? 24 रुपये। 24 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा टमाटर। देखिए भाई 25 रुपये। भाई क्या रेट है, कैसे दे रहे हो? क्या रेट? 410 किलो दूधी मिलेगा, तोला दूधी फ्रेश है। देखिए 44 रुपये किलो के हिसाब से परवर मिलेगा। देखिए आप लोग आज का रेट कैसा है मार्केट का, हाई है क्या, डाउन रेट है? डाउन रेट है। डाउन रेट है, रेट का बाजार कम है आज ना। अच्छा, ककड़ी क्या रेट है? ककड़ी 24-25। अच्छा अच्छा, 24 रुपये 25 रुपये के हिसाब से ककड़ी मिलेगा ये सब। अरे सब अचार का कह रही है ना भाई, कौन सा कह रही है, गाउटी कह रही है? तोतापुरी है। तोतापुरी है। अच्छा अच्छा, अचार के लिए करी चाहिए तो करी मिल जाएगा 70 रुपये किलो के हिसाब से। सब गाउटी करी देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए 24 रुपये किलो के हिसाब से करेला मिलेगा, साइज आप लोग देख सकते हो 24 रुपये किलो बता रहे हैं भाई। लेकिन खरीदेगा ना गाइस, इसका रेट्स कम होगा, बार्गेन होएगा। ये देखिए फनस है, 50 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा फनस। देखिए आप लोग ये देखिए सेवगा है, 60 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा सेवगा। ये देखिए सब 60 रुपये वाला सेवगा है, किलो के हिसाब से मिलेगा। और भाई कैसे हो? बिट का क्या रेट है भाई? 24 रुपये किलो। मिनिमम कितना किलो खरीदना पड़ता है? मिनिमम 50 किलो। 50 किलो। ये देखिए यहाँ पे बीट है, साइज आप लोग देख सकते हो 24 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा बीट है। मिनिमम भाई 50 किलो खरीदना पड़ेगा बोल रहे भाई। अच्छा अच्छा, और ककड़ी भाई इसका क्या रेट है? 24 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा ककड़ी। देखिए आप लोग ये देखिए 30 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा फूल गोभी। देखिए आप लोग क्वान्टिटी देख सकते हो गोभी की, 30 रुपये किलो बता रहे हो भाई। ये देखिए इधर पे पत्ता गोभी, ये 20 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। ये देखिए गाजर है, गाजर की आप लोग क्वांटिटी देख सकते हो, क्या रेट है गाजर? 48 रुपये किलो के हिसाब से गाजर मिलेगा। देखिए भाई गाजर का रेट थोड़ा बढ़ गया मार्केट में, गाजर मतलब महंगा मिल रहा है। मुंबई का सबसे बड़ा भाजी मार्केट है, मुंबई के अंदर जितने भी डीलर्स लोग हैं रिटेलर्स में भाजी बेचते हैं वो लोग यहीं से भाजी खरीदते हैं और रिटेल्स मार्केट में बेचते हैं। बार्गिंग होता है यहाँ पे, रेट्स कम होता है मार्केट में, आप लोग विजिट करो, फिक्स रेट नहीं है। भाई कैसे दे रहे हो अदरक? 40 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा अदरक। देखिए आप लोग भाई क्या रेट है अदरक? 30 रुपये किलो ये वाला। ये देखिए 30 रुपये किलो के हिसाब से अदरक मिलेगा, साइज आप देख सकते हो। ये देखिए ये कंटोला है, 70 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा कंटोला है। देखिए आप लोग भाई क्या रेट है बैंगन? 44 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा बैंगन। देखिए आप लोग 30 बड़े 32 बड़े जितना बैंगन क्या भाव? बैंगन सेट 30 रुपये आएगा। 30 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा बैंगन। देखिए आप लोग इस तरह का इससे बार्गिंग होता है। देखिए आप लोग हाथ में हाथ पकड़ के यहाँ पे रेट यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है, बार्गिंग करना पड़ता है। इस तरह के डीलर्स लोग हाथ में हाथ पकड़ के ऐसा बार्गिंग करते, देखिए भाव तय करते भाजी का। देखिए आप लोग 44। ये देखिए 44 रुपीज़ किलो के हिसाब से बैंगन मिलेगा, कौला बैंगन है, फ्रेश है। ये देखिए बैंगन है, 36 रुपये किलो के हिसाब से बैंगन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे करेला है, करेला क्या भाव है? 32 रुपये। ये देखिए 32 रुपये किलो के हिसाब से करेला मिलेगा, साइज आप लोग देख सकते हो करेला का।
32 रुपए किलो बता रहे भाई करेले का रेट। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। क्या नाम है भाई? अभिषेक। ना परवर है ना ये? हाँ, देसी ये कलकत्ता परवर है। कलकत्ता का है? हाँ। क्या रेट दे रहे हो? ये 50 रुपीज़। 50 रुपए किलो? 50 रुपए किलो। ये देखिए 50 रुपए किलो की सबसे परवर मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। ये कलकत्ता है। अच्छा, कलकत्ता का कलकत्ता का है, ज्यादा आता है इसमें। दो जाते हैं, एक देसी एक कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता होता है। देसी माल 70 रुपए किलो बिका है। देसी माल महंगा बिकता है क्या? हाँ, वो अच्छा रहता है, देसी अच्छा रहता है। देसी माल गाइस 70 रुपए किलो की सबसे बिकता है। अब ये कलकत्ता का, इसलिए इसका रेट कम है। कलकत्ता से? डायरेक्ट कलकत्ता से। अच्छा अच्छा। और ये टोंडली भाई का क्या रेट है? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? जैसा माल होता है वैसा रेट। ये 40, वो 50। अच्छा अच्छा। 60 रुपया? सब मतलब अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। हाँ, बारीक जितना बारीक होगा उतना उसका बिकता है। अच्छा अच्छा। मिनिमम कितना किलो खरीदना पड़ता है? जैसा एक डाक पूरा लेना पड़ता है। इसके अंदर कितना किलो रहेगा? लोगे तो भी एक। अच्छा, 21 किलो का है। अच्छा, 21 किलो का। अच्छा अच्छा। ये मार्केट में कुछ भी लीजिए, एक डाक पूरा लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा। मतलब जितना भी होता है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो जो भरेगा। अच्छा अच्छा। 30 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा रतालू। मिनिमम 10 किलो खरीदना पड़ेगा। मराठी में हम लोग इसको रतालू बोलते हैं। देखिए गाइस, कुछ इस तरह का भाजी मार्केट है। मुंबई का सबसे बड़ा भाजी मार्केट है। यहाँ पे आपको सारे वैरायटीज का भाजी मिल जाएगा, जो होलसेल रेट में गाइस। देखिए इधर पे गावटी ककड़ी है, दादा काय भाव है? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा गावटी ककड़ी, देख सकते हैं आप लोग। ये वाले 24 रुपए। ये वाला 24 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा ककड़ी। ये भी गावटी ककड़ी, देख सकते हैं आप लोग। खरीदी का ना बार्गिंग होता है, रेट कम होता है मार्केट में। आप लोग विजिट करो, फिक्स रेट नहीं है। काय भाव है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा फर्सी। देखिए आप लोग, भाई महंगा हो गया, भाई महंगा हो गया रेट। बाजार टाइट हो गया क्या? बाजार टाइट हो गया। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? मतलब जब मंडी में माल कम आता है तो बाजार टाइट होता है। अच्छा, आज माल कम है क्या मंडी में? आज मंडी में माल कम है क्या? कम। अच्छा अच्छा। लास्ट क्या, मतलब कितना बार्गिंग होता है इसमें? लास्ट क्या रेट देखिए? लास्ट ये होगा 75। 75 भाई बोल रहे, लास्ट 75 रुपए किलो की सबसे देंगे। फिर से देखिएगा आप लोग। और ये फूल गोभी 24-26 रुपये। कितना किलो इसके अंदर? कितना किलो है? 52 किलो। 52 किलो का गोनी है गोभी का। ये 25-26 रुपये किलो बता रहे भाई किलो के हिसाब से। चवली क्या रेट है भाई? 60 रुपये किलो। अच्छा, मिनिमम कितना किलो खरीदना पड़ता है? ये अभी इसमें रहेगा कम से कम 30-35 किलो रहेगा। अच्छा अच्छा। ये देखिए 60 रुपये किलो के हिसाब से चवली मिले। और ये वाला, ये वाला भी 60 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा चवली। देखिए आप लोग देख सकते हो कोला चवली। ये देखिए दूधी यहाँ पे भाई कैसे दे रहे हो? 40 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा दूधी। मिनिमम का 10 किलो खरीदना पड़ता है। 400 में 10 किलो मिलेगा दूधी ये। और खरीदिए ना बार्गिंग होगा, रेट कम होगा, फिक्स रेट नहीं रहता मार्केट में। आप लोग विजिट करो। ये देखिए 70 रुपये किलो के हिसाब से मिर्ची मिलेगा। काय भाव है गाजर? काय भाव? 12 रुपये। 12 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा ये गाजर। देखिए आप लोग, ये देखिए मिर्ची है, 700 में 10 किलो मिर्ची मिलेगा। साइज आप लोग देख सकते हो मिर्ची की। बता काय भाव है? 1000 रुपये। लगी थी 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा गवारे। देखिए आप लोग, कौला गवारे फ्रेश है। 1000 में 10 किलो बोल रहे भाई। ये देखिए फ्रेश है गवारा। ये देखिए थोड़ा सा ये कौला भिंडी है, ये भी 50 रुपये किलो के हिसाब से भिंडी मिलेगा। भिंडी का गाइस रेट सेम है, क्वालिटी के हिसाब से भिंडी का रेट है। ये देखिए यहाँ पे शिमला मिर्ची है। दादा काय भाव है? 28 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा ये शिमला मिर्ची। देखिए आप लोग, कितनी किलो है इसमें? कितनी किलो है? 10 किलो है इसके अंदर, ये पूरा बंधा हुआ। 28 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा शिमला मिर्ची, पूरा 10 किलो खरीदना पड़ेगा मिनिमम। ये देखिए 44 रुपये किलो के हिसाब से भिंडी मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। क्या भाव है भाई? 18 रुपये। 18 रुपये? 18 रुपये किलो बता रहे भाई बोपड़ा। देखिए कितना वेट रहेगा भाई एक पीस का? हाँ, 6 किलो होगा। 6 किलो का एक पीस। मिनिमम कितना खरीदना पड़ता है? 10 केजी। 10 केजी मिनिमम गाइस 10 किलो खरीदना पड़ेगा। 18 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा भाई बता रहे भोपड़ा। ये वाला सब लगा रहे भाई इधर भी सब पीस। 40 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा सिंगाड़ा। देखिए मार्केट में गाइस बहुत कम आता है सिंगाड़ा, ये 40 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। ये देखिए सब गोने के अंदर वही चीज़ें, सब सिंगाड़ा है भाई। कैसा दे रहे गल का? 40 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा गल का। देखिए आप लोग देख सकते हो 40 रुपये किलो बता रहे भाई गल का।
मार्केट तो गाइस आज टाइट है। और भाई कैसे हो? बढ़िया। आज का क्या रेट है गाजर का? गाजर 26 से 300 रुपए, अच्छा माल 300। हाँ 26 में देखा। अच्छा अच्छा, ये वाला क्या रेट है अभी? मीडियम है, 26 रुपए मीडियम है। अच्छा ये देखिए मीडियम गाजर है, 26 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। कितना किलो खरीदना पड़ेगा? क्वांटिटी 20 किलो मिनिमम, 20 किलो खरीदना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और दीपक भाई कैसे हो? ठीक है भाई। इस बार भाई क्या रेट है लहसुन का? भाई इस बार बाजार बढ़ गया, अभी महंगा हो गया है। अच्छा अच्छा। ये सब रेट है 240-250 जैसा माल वैसा भाव। अभी स्टार्टिंग अपनी पास क्या रेट से है लहसुन? स्टार्टिंग मेरे पास है 240 से शुरू है ये वाला। ये देखिए 240 रुपए किलो के हिसाब से लहसुन मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग। और ये वाला दीपक भाई, ये वाला 300 रुपए किलो के हिसाब से लहसुन मिलेगा, देखिए आप लोग। ये सब फ्रेश लहसुन है। अच्छा दीपक भाई, मिनिमम कितना किलो खरीदना पड़ेगा यहाँ पे? कम से कम 2.5 किलो, 1 किलो। 1 किलो भी खरीद सकते हैं ना? अगर मान के चलो कोई ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है तो उसके लिए थोड़ा रेट कम होगा ना? हाँ 1-2 रुपये कम होगा। अच्छा अच्छा। और इसका क्या रेट है? ये वाला ये है इसका 280 रुपये किलो। 280 रुपये किलो। अच्छा अच्छा, कैरेट के साथ आएगा? ये वजन नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। कितना इसके अंदर कितना किलो है? 5-5.5 साढ़े पाँच किलो का कैरेट है, 280 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। और ये वाला दीपक भाई अंदर, ये वाला 240 वाला, ये वाला क्या भाव है? ये 300 रुपये। हाँ ये वाला 300 रुपये किलो के हिसाब से लहसुन मिलेगा, देखिए आप लोग देख सकते हो लहसुन क्वालिटी। कली चाहिए कली में तो ये भी मिल जाएगा, 280 है, 230 है। ये देखिए ये वाला 230 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, 280 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, 200 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा लहसुन। सब फ्रेश लहसुन है गाइस, खाली मतलब ऐसा खाली कली है, लहसुन फ्रेश है, ऐसा नहीं कि मतलब खराब है, ये सब फ्रेश लहसुन है। ये देखिए इनके पास है पैकेट वाला भी लहसुन है, 280 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा लहसुन है। दीपक भाई अपना थोड़ा कांटेक्ट नंबर शेयर करो, मतलब किसी व्यापारी को खरीदना रहेगा तो आपसे डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट करे और आपसे खरीदे डायरेक्ट। 8692018481। और अपना शॉप का एड्रेस क्या है? 468। और अपना टाइमिंग क्या है इधर पे ओपनिंग का? ओपनिंग का टाइमिंग 3 बजे खोलता हूँ और 1:30 बजे तक बंद करता हूँ, मत दोपहर 2 बजे तक रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है दीपक भाई, थैंक यू। ये देखिए 40 रुपये किलो के हिसाब से आपको एक कांदा मिलेगा, और ये वाला देखिए 48 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, थोड़े बड़े साइज में और फ्रेश है देखिए आपको। और इसका भाई, इसका 30 रुपये, ये वाला 30 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा कांदा। ये देखिए आलू 25 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, साइज देख सकते हो फ्रेश है आलू। भाई कैसा दे रहे? 4 रुपये में 1 पीस, 4 रुपये में 1 पीस मिलेगा नींबू है, देखिए आप लोग साइज देख सकते हो बड़े साइज में नींबू है। और ये वाला भाई, ये वाला 350 रुपये, ये 3 रुपये पीस के हिसाब से मिलेगा नींबू। ये वाला 4 रुपये, और ये वाला 4 रुपये के हिसाब से मिलेगा नींबू, सब फ्रेश नींबू है। और वो वाला 250 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से नींबू मिलेगा, ये पीस के हिसाब से देखिए आप लोग। हाँ मटर का भाव है? 120 रुपये किलो, 120 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा मटर, देखिए आप लोग। सब होलसेल में इतना महंगा तो रिटेल में कितना महंगा रहेगा। सब मटर है देखिए आप लोग, ककड़ी है 20 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा ककड़ी, 50-50 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा शिमला मिर्च, देखिए आप लोग। ये होलसेल रेट है, रेट्स कम होता है बार्गिंग होता है, फिक्स रेट नहीं है, बार्गिंग करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला शिमला मिर्ची 30 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, देखिए। ये फूलगोभी है 20 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, मिनिमम जो भी इसका वेट रहेगा ना गोनी के अंदर वो खरीदना पड़ेगा। ये भी 20 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, ये भी पूरा गोनी खरीदना पड़ेगा, 70 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। भिंडी देखिए आप लोग, ये सब भिंडी है 70 रुपये किलो बता रहे भाई रेट भिंडी का आज का। देखिए इधर पे और भी भिंडी है, ये 52 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा भिंडी, देखिए आप लोग क्वालिटी के हिसाब से प्राइस है भिंडी का। ये 52 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, इधर पे देखिए और भिंडी है 70 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस है भिंडी का। मार्केट में विजिट करो, इसका भी रेट कम होता है गाइस, ऐसा नहीं कि फिक्स रेट है, बार्गिंग करना पड़ता है इधर पे। ये देखिए इधर पे और भी भिंडी है भाई, क्या रेट है? 50 रुपये, 50 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा भिंडी भाई। कितना किलो इसके अंदर? 20 किलो कैरेट के अंदर 20 किलो भिंडी है, और एक मिनिमम 20 किलो खरीदना पड़ेगा, 50 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा भिंडी है, देखिए आप लोग सब फ्रेश भिंडी है।
तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।